नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज एक छोटा सा एक्सरसाइज सेशन, योगा सेशन आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि है सायाटिका पेन के लिए। सायाटिका नर्व कंप्रेशन की वजह से पेन होता है, पैरों में दर्द होता है, तो उसी के ऊपर एक छोटा सा विन्यास। दोस्तों, एक फॉलो अलोंग वीडियो है, तो मेरे साथ साथ करते रहिएगा। तो जैसे कि मैं बताऊंगा, सेम सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है और ब्रीदिंग पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हम शुरू करेंगे शिथिल दंडासन में, इस तरह से बैठते हुए। उसके बाद अपने लेफ्ट लेग को यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा कमर को ऐसे लिफ्ट करके वापस बैठे और एक्सहेल करते हुए बॉडी को थोड़ा सा आगे लेके जाने के अभ्यास करें। इस तरह से ध्यान रखिए, इसमें हम फ्रंट बेंडिंग नहीं करेंगे, आगे झुकेंगे नहीं, जस्ट एक्सहेल एंड फॉरवर्ड 5 to 6 टाइम्स इस तरह से, ठीक है? जैसे आप करोगे यहां पे आपको खिंचाव महसूस होगा। द अदर साइड अगेन, एक्सहेल फॉरवर्ड एंड इनहेल कम बैक। वहीं से जो पैर ऊपर है इसको ऐसे सीधा कर देंगे, स्पाइन को स्ट्रेच करके सीधा रखेंगे। दी ऑपोजिट हैंड विल रेज, इनहेल देन एक्सहेल करते पूरा घूम के अपने एल्बो को घुटने के साथ ऐसे लॉक कर ले एंड ट्राई टू लुक बैक, पीछे देखने की कोशिश करें। होल्ड देयर 5 4 3 2 एंड 1। वापस पैर को यहां पे रखेंगे, दोनों हाथों से बॉडी को थोड़ा सा कमर को लिफ्ट करेंगे ऐसे एंड देन फोल्ड करके आगे स्लाइड करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ऐसे जस्ट स्लाइडिंग फॉरवर्ड, एक्सहेल इनहेल 4 to 5 टाइम्स। अगेन द अदर साइड सेम, पैर को यहां पे लेके आना है, अपोजिट हैंड उठेगा ऊपर, इनहेल एंड देन ऐसे एल्बो टू नी करके ट्राई टू लुक बैक। यहीं पे आप धीरे से लेट जाओगे। अभी अपने लेफ्ट एंकल को, बाय एंकल को राइट नी के ऊपर रखे, मेक द फिगर 4 इस तरह से, और फिर राइट लेग को ऐसे अंदर से ग्रिप बनाएंगे। हेड रेज नहीं करना, धीरे धीरे अपने चेस्ट के पास खींच के लाना है, जितना आप कर सकते हो धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हुए। थोड़ा सा दर्द आपको होगा बट इट हैज इमेंस बेनिफिट। 5 काउंट तक होल्ड करें एंड देन रिलैक्स। इसी पोस्चर में से हम करेंगे ब्रिज पोस्चर, ठीक है? तो कमर को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे, हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, शोल्डर्स को थोड़ा पास लाएंगे एंड देन 5 टाइम्स लिफ्टिंग लाइक दिस, इनहेल एक्सहेल। जब आप ब्रिज कर रहे हो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो नी है, ये जो पैर है आपका, पैरेलल टू ग्राउंड रहेगा, ऐसे उठेगा नहीं, दैट इज रॉन्ग, इट शुड बी डाउन लाइक दिस। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल 5 टाइम्स, इनहेल एक्सहेल एंड इनहेल एक्सहेल, सेम विथ द अदर साइड। फिगर 4, ग्रैब इट एंड देन स्लोली पुल। एक्सहेल अगेन, इनहेल एक्सहेल, तो ऐसे इसको भी 5 टाइम्स कर लेंगे। दोनों पैरों को कंप्लीटली लॉक करना है, इस तरह से पूरा लॉक, जो आपका लेफ्ट लेग का टो है वो वापस घूम के राइट शीन बोन में ऐसे लॉक हो जाएगा। दोनों हाथों को ऐसे पीछे रखेंगे और पैरों को थोड़ा थोड़ा जस्ट लिफ्ट करने की कोशिश करना है, एक्सहेल करते हुए ऐसे, एक्सहेल इनहेल
एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल एंड इनहेल, वेरी गुड। सेम विद द अदर साइड। हो सकता है अगर आपका हिप जॉइंट बहुत स्टिफ है तो ये आप ऐसे लॉक ना कर पाओ, ठीक है, यहीं पे रह जाए, इससे ज़्यादा लॉक नहीं हो पाए तो वो भी चलेगा। डे बाय डे आपको कोशिश करना है कि पूरा इस तरह से कंप्लीट लॉक हो जाए। फोर एंड फाइव, वेरी गुड। लॉक को खोल देंगे, खोल के ऐसे हाफ लॉक। आपको क्या करना है, राइट नी को लेफ्ट साइड ग्राउंड के ऊपर लेके आना है। एक्सहेल करते धीरे धीरे टर्न करें अपने कमर से एंड लुक एट द ऑपोजिट साइड, दूसरी तरफ जमीन को देखें, अपने पाम को देखें। फाइव फोर थ्री टू वन, ध्यान रखिए अगर आपको ऑलरेडी पेन है, साइटिका का दर्द है, तो ये एक्सरसाइज करते हुए भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन हो सकता है, थोड़ा सा सेंसेशन क्रिएट हो सकता है, बट डोंट वरी, ये सारे बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है। इन्हीं एक्सरसाइज से, इन्हीं व्यायामों से आपका जो साइटिका का दर्द है, लोअर बैक पेन, वो भी खत्म होगा। टू एंड वन, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज यही से आपको दोनों पैरों में थोड़ा गैप बना लेना है और एक घुटने को दूसरे टो पे टच करने की कोशिश करना है, ऐसे लाइक दिस। ओके, फ्रॉम देयर बटरफ्लाई में आ जाएंगे, स्लीपिंग बटरफ्लाई, सुप्त बद्ध कोनासन एंड देन प्रेस योर थाइस डाउन विद योर पाम्स। करीब 20 से 30 बार इसको करना है आपको, नॉर्मल ब्रीदिंग। उसके बाद विल कम टू हैप्पी बेबी पोज। आपको दोनों अपने बिग टोस को लॉक करना है, दोनों पैरों में सफिशियंट गैप बनाओगे। कोशिश करना है कि आपके नीज जो है, नीज को बॉडी के साइड में लाके जमीन की तरफ आप पुल कर पाओ। होल्ड दिस पोजिशन फॉर ए व्हाइल, इसको भी धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है, कम से कम 30 सेकंड तक आप इसको होल्ड करो और फिर इसी में से आप थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट रोल कर सकते हो। रिलैक्स, वहां से धीरे धीरे आप करवट बदल लेंगे, टर्न टू द अदर साइड, कम टू प्रॉन पोजिशन एंड फाइनली अब यहां से हम करेंगे हाफ कोबरा पोज, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, अपने राइट लेग को ऐसे फोल्ड करके लेफ्ट नी के ऊपर लेके आएंगे और फिर श्वास भरते हुए से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। आपका पेल्विक फ्लोर ग्राउंड को पूरा लीव नहीं करेगा यहाँ पे। फाइव काउंट्स तक होल्ड करें, फाइव फोर थ्री टू एंड वन, स्लोली डाउन अगेन टू द अदर साइड। इस तरह से रखेंगे, लेफ्ट पैर को फोल्ड कर दिया एंड स्लोली अप इन ही, टू एंड वन डाउन। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए इस तरह से पैरों को पीछे आपको चलाना है 20 से 30 बार। तो दोस्तों ये था एक वेरी सिंपल, बहुत ही सरल सीक्वेंस फॉर सायटिका पेन। याद रखें दोस्तों, हर कोई व्यक्ति का शारीरिक गठन और जो प्रॉब्लम है, मैन टू मैन थोड़ा सा स्पेसिफिकली डिफरेंट भी होता है, तो इनमें से ज़्यादातर अभ्यास ऐसा है जो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज, पर्टिकुलर व्यायाम या तो योग आसन करते हुए आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो
उस आसन को आप ना करें, आप किसी स्पेशलिस्ट का सलाह लें, उसके गाइडेंस में करें। बाकी जब आपको साइटिका का दर्द ऑलरेडी हो रहा है तो ये एक्सरसाइज करते हुए पहला 2-3 दिन आपका थोड़ा सा दर्द रहेगा, 2-4 दिन में करते करते जब अभ्यास हो जाएगा तो दर्द धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसको शेयर करें, अपने परिवार परिजनों को भेजें, खुद अभ्यास करें और हमें ज़रूर कमेंट में लिख के भेजिए कि आपको कितना अच्छा लगा है, क्या आपका रिजल्ट आया है। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद कुसुम योगा।